गुड मॉर्निंग 9 क्लास। देखिए बच्चों, कल आप लोगों ने 1.5 पढ़ी थी, ठीक है, वो मैंने आपको कराई थी। आज मैं आपको 1.6 करा रही हूँ। 1.5 से पहले कराने से पहले मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी। 1.6 भी स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या आइडेंटिटी है, ए की पावर एन मल्टीप्लाई ए की पावर एन। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो हम उस नंबर को एक बार लिखते हैं और दोनों पावर को प्लस कर देते हैं। कब? मल्टीप्लाई के साइन में। सेम अगर डिवाइड होते हैं तब हम माइनस करते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है दोनों के बीच में तो प्लस करते हैं पावर्स को, और जब डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है वन। मान लो टू की पावर जीरो, तो आप अगर कहीं आ गया थ्री की पावर जीरो, फोर की पावर जीरो, वन की पावर जीरो, उसका मतलब वन होगा। अब ए की पावर एम और ब्रैकेट के बाहर दूसरी पावर, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऐसे लिखते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम एन मतलब दोनों मल्टीप्लाई हुए। अब अगर दोनों नंबर अलग अलग है और पावर सेम है, यहां क्या था, दोनों नंबर सेम थे पावर अलग थी, यहां नंबर अलग है पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो पावर दो बार लिखी होती है उसको एक बार लिख देते हैं। इसी तरीके से वन, ऊपर वन होता है न्यूमरेटर में हमेशा, और नीचे किसी भी नंबर की पावर होती है। सपोज कर लो वन लिखा है वन अपॉन थ्री की पावर एन, थ्री की पावर टू, एन का मतलब पावर का मतलब टू, टू थ्री फोर जो भी पावर है एन का मतलब है ना, तो वन अपॉन थ्री की पावर टू। तो अगर हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो उस पावर के आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड, मैं आपको दो दो पार्ट समझा रही हूँ, पीडीएफ में आपको सबकी भेजूंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे बेटा तब तक आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको करके तो दे दूंगी, आप कॉपी में नोट कर लोगे, कोई फायदा नहीं है। 64 की पावर 1/2, अब 64 की पावर 1/2 है तो आप इसको क्या करोगे, पहले इस 64 का एलसीएम लोगे। एलसीएम लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार, तो 2 की पावर 6 और ब्रैकेट के बाहर आपने 1/2 लिखा, क्योंकि 1/2 उन्होंने दी हुई थी, ठीक है। अब मैंने बोला था यहां पर ये आइडेंटिटी लगी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी, तो ये कटिंग हो रही है, 2 की टेबल पे 6 आता है 3 पर, तो 2 3 6, 2 एज इट इज लिखा गया। और एक बात याद रखना, पावर हमेशा ऊपर ही लिखना, ये नहीं कि आप नंबर के साथ ऐसे लिख रहे हो तो वो नहीं पता चलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ बताने के लिए था। तो अब देखो कटिंग करी तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं है कि 2 3 6, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 की पावर 1/5, कैसे करोगे, पहले 32 का एलसीएम लोगे, ठीक है, और फिर जो पावर आएगी, और पावर ऐसी आती है इन क्वेश्चन में कि आपकी कटिंग हो जाती है तभी बाहर ऐसे नंबर होते हैं। देखो जब 32 का आपने एलसीएम लिया तो 2 आपका 5 बार आया, तो आपने इसको लिखा 2 की पावर 5 और बाहर थी 1/5, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई तो 5 से 5 की क्या हो गई, कटिंग हो गई, 2 की पावर 1 बची, 2 की पावर मतलब 1 मतलब 2, ठीक है। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 1/25 की पावर 1/3। 1/25 आपने एलसीएम लिया, 5 3 बार आया, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, और आप इसको ऐसे लिखोगे 3 × 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 दैट इज 5। नाउ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी यही है, 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 3/4। एक क्वेश्चन बता रही हूं आपको, 9 की पावर 3/2 मतलब 9 के फैक्टर किए तो 3 और 3 आए, यानी 3 की पावर कितनी आई, 2, और बाहर क्या है 3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब उसको 3 बार लिखिए, 27। इसी तरीके से आपको इसके चारों पार्ट करने हैं।
बाकी बचे हुए 3 पार्ट करने हैं, ठीक है, समझो और करो। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो यहाँ बेस सेम है, दोनों पावर्स प्लस करनी है। जब बेस सेम होते तो मैंने पावर प्लस करने को बोला था, बेस सेम होंगे और डिवाइड में होंगे तो पावर माइनस होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, यानी a की पावर m, a की पावर n। तो क्या होगा, a की पावर m प्लस 1, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ऐसे ही लिखोगे। अब 3 और 5 का यहाँ क्या करोगे, एलसीएम लोगे, और 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15, यानी 3 के टेबल पे 15 जो आता है वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा। 3 5 15, यानी इस 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 10 + 3/15, तो 2 की पावर 13/15। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब यही इसका आंसर है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है, 1 की पावर 3/3 और ब्रैकेट के बाहर 7, यानी कि ये 1 की पावर 7 भी है और ये वाली 7 जो है पावर वो इससे भी मल्टीप्लाई होगी, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 × 7, क्योंकि ये 7 इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। 1 की पावर 7 का मतलब 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 3 की पावर 3 × 7 मतलब 3 की पावर 21, और मैंने बोला था जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, तो 3 की पावर -21 इज द आंसर। इसी तरीके से इसका 3 पार्ट है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, जो फॉर्मूला लगना था वो हमने लिखा, दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, यानी 11 1/2 - 1/4। हमेशा ऐसी टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4। अब इस 2 को अब 4 बनाने के लिए नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यानी 2 × 1 = 2, और यहां पर 4 ऑलरेडी है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1/4, यानी 11 की पावर 1/4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 का मतलब दोनों पावर सेम है बट बेस अलग है। फॉर्मूला ये वाला लग रहा है, मैंने बोला था ऐसे में दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 8 7 8 56, और पावर एक बार लिखी जाएगी 1/2, यानी 56 की पावर 1/2। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और मैं आपका इसी चैप्टर का टेस्ट लूंगी, टेस्ट लेने जब भी लूंगी उससे पहले मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूंगी, आप प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।